धर्म की जय। पति पते हर हर महादेव। तो मैं अभी बैठा हूँ आपका श्री राम दरबार मंदिर के प्रांगण में, मतलब सब दर्शन वर्शन कर रहे हैं, अभी हो रहा है आरती, विदाई हो रहा है, जा रहे हैं ठंडा करने के लिए। कुसमुंडा टू कोरबा जाना इतना बड़ा स्ट्रगल होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं विकास नगर कॉलोनी के अंदर से होके, और यहाँ पर कॉलोनी वाले भी परेशान हो जाते हैं इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि अभी एक दो दिन से पानी रुका है, तो पूरा जितना राखड़ सबके गाड़ी से लग के रोड में आया तब सूख के पूरा वो हो रहा है, वो बन के डस्ट बन के उड़ रहा है, सबके घर में जा रहा है। और इस कॉलोनी से ऐसे ट्रैक्टर ट्रक बस सब पार हो जाता है आजकल, ये वाले पूरे घर वाले तो पूरे परेशान होते होंगे कॉलोनी वाले। फल नहीं लगा है, अभी देखते हैं यहाँ से हम लोग जाएंगे शिव मंदिर चौक और देखते हैं वहाँ भी शायद तक जाम लगा होगा। ये हमारे कुसमुंडा, इति हमारे कुसमुंडा हावे और इति मेन रोड हावे। जाम लग रहा है धीरे धीरे, पीछे लगा ही हुआ है और यहाँ आगे लगने वाला है, पार हो जाएंगे तो हो जाएंगे हम लोग। ये लग रहा है लिफ्ट मांग रहे हैं। अच्छा इधर से जाऊँ मैं? ठीक है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इधर से जा रहा हूँ। जाम 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 लगेगा, तू ही चले जा। फंसे हैं लोग और हम लोग साइड से जा रहे हैं, फिर इधर का क्लियर होगा तो इन लोग साइड से जाएंगे। इतना बड़ा हाईवे बना है तो भी हम लोग साइड से जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे में हाईवा खड़ा है, बड़ा बड़ा ट्रक, देखो बाइक वाले भी खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं लोग, कुछ खास दिख गया लग रहा है। फिर जाम मुंडा कोरबा जाम ही जाम, आने से पहले 10 बार सोच लो भाई जाना है कि नहीं जाना है, नहीं तो एनटीपीसी साइड से घूम के जाओ। तो अभी हम लोग को आधा घंटा हो गया है जाम में खड़े हुए, और अब ये धीरे धीरे फिर से क्लियर हो रहा है आधा घंटा बाद। इतना तगड़ा जाम लगता है कुसमुंडा में ना, क्या बताऊँ। छत्तीसगढ़ गाड़ी यहीं से होके जाता है, देख इतना जाम, इतना हर जगह गाड़ी ही गाड़ी हो रहा है। धीरे धीरे क्लियर, देखो कब पहुंचते हैं हम लोग कोरबा। वैसे कोरबा है 7 किलोमीटर यहाँ से, बट पहुंचने में लग जाता है कभी कभी हम लोग 2 घंटा 1.5 घंटा। अब ऐसे होशियार लोगों के कारण जाम लगता है, इसको उस रूट से आना चाहिए, तो यहाँ पर ला के घुसा के खड़ा कर दिया है और तुम लोग साइड से जाओ। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना, ये लोग समझाने उतरे बाद आदमी खुद पागल हो जाएगा। ये भी इधर ही घुसा दिया सिटी बस वाला भी, अभी परेशान हो गया। हाँ हो गई, इधर का रूट पूरा खाली है, इसमें से सीधा जाना चाहिए उन लोगों को। ये देखो कार वाला भी आ रहा है। तो अभी आधा घंटा बाद थोड़ा सा खाली मिला है रोड, ये देखो सामने इधर साइड में पूरा ट्रक लगा है, ये सब जाएंगे खदान के अंदर, कब जाएगा। तो गणपति बप्पा मोरिया जी का अब विदाई हो रहा है, जा रहे हैं सब ठंडा करने के लिए। यहाँ पर फुल नाच रहे हैं लोग, इधर वाली उधर वाली क्या दोनों को वाली करके गाना का नाम है। ये देखो गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा, लाई बांटते जा रहे हैं सब। तो ये लोग को लफड़ा भी हो गया है, एक दूसरे को समझा रहे, भाई तू मत मार, मैं हूँ भाई, मैं हूँ भाई, तेरा भाई हूँ, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। सब दारू, थोड़ा दारू पी लिए हैं, एक पौवा 50 रुपए का दारू भाई, जहाँ ये लोग तो गुस्सा में बन गए शेर, यहाँ भी हो गया। तो यार फाइनली बहुत दिन बाद सोचते सोचते मैं आज आ गया हूँ श्री राम दरबार, जो कि कोरबा में है, और DDM रोड से होते हुए अंदर जब हम लोग आते हैं तो ये है श्री राम दरबार। यहाँ पे देख लो, ये है श्री राम दरबार मंदिर, भव्य मंदिर है कोरबा में। उधर खड़ी है गाड़ी, उधर से एंट्री है, और ये मस्त छोटा सा गार्डन टाइप बनाए हैं, और अभी शायद अंदर में पूजा आरती हो रहा है, और लोग यहाँ पर अब टहलने घूमने आते हैं। देखो एक लेडीज यहाँ टहल भी रही है, वॉक कर रही है।
ये राम मंदिर का जब उद्घाटन था करीबन 12 जून 2000 अभी 23 की बात है तो यहाँ पर आए थे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो कि आपका पूरी गोविंदा मठ के पीठाधीश्वर हैं और आई थी एक गायिका और कथावाचक है जो जया किशोरी जी वो आई हुई थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था इसके दीवार के उस साइड में हुआ था प्रोग्राम दीवार के उस साइड बहुत बड़ा टेंट लगाए थे तो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। तो मैं आप लोग को चलो पास से थोड़ा मंदिर दिखाता हूँ कैसा है अपना श्री राम दरबार कोरबा का। अरे मैं लाइट पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे मस्त सुंदर सा लाइट लगा है। चलो अब चलते हैं अंदर। और कोरबा में श्री राम दरबार बनवाने में हमारे यहाँ के मंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के मंत्री हैं हमारे जयसिंह अग्रवाल जी। मंत्री जी के अगुवाई में ही ये पूरा राम मंदिर जी का जो कार्य है कंप्लीट हो पाया है और यहाँ पर बैनर लगा है कुछ है जो श्री कृष्ण जी की दिव्य लीलाएँ थी उन लोगों को दिखाया गया है जैसे कंस को मार रहे हैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं यहाँ गोपियों के साथ हैं। तो मैं अभी बैठा हूँ आपका श्री राम दरबार मंदिर के प्रांगण में ही मतलब पास में ही बना छोटा सा गार्डन जैसे। और श्री राम दरबार के मंदिर का जब उद्घाटन था तो हमारे पूरी के पीठाधीश्वर जो हैं 145वें पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद महाराज जी आए हुए थे और साथ में आई थी जया किशोरी जी जो कि अपना यहाँ प्रस्तुति दी थी गाना का भजन का। और हमारे जो माननीय मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के जय सिंह अग्रवाल जी उनके अगुवाई में ही यहाँ का जो पॉसिबिलिटी है श्री राम दरबार को पूरा हो पाया है। तो अब जाके हम लोग यहाँ पर अच्छे से बैठ के दर्शन कर पा रहे हैं और लोग यहाँ पर भगवान के मंदिर देखने के और इसी बहाने घूमने के यहाँ पर क्योंकि जो पूरा टहलने वाले का व्यवस्था गार्डन जैसे तो पूरा गार्डन जैसे बनाया है और एक भव्य मंदिर है श्री राम जी के अंदर में। और अभी तो गणेश पूजा चल रहा है तो श्री गणेश जी का भी वहाँ पर मूर्ति स्थापित किए हैं और एक साइड में हनुमान जी भी हैं और एक साइड आपके गणेश जी हैं। तो सब दर्शन वर्शन कर रहे हैं अभी हो रहा है आरती। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर बैठ मतलब यहाँ पर आने पे अलग ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट लग रहा है अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके थोड़ा शांति भी है एरिया थोड़ा शहर से आउटर में है मतलब साइड में है ये। तो हम लोग जब आते हैं डीडीएम पुल साइड से डीडीएम जो अपना सोनालिया पुल है उसके अंदर से जब आते हैं तो यहाँ डीडीएम स्कूल है तो उसके नाम से पहले ये रोड था डीडीएम रोड तो अब ये श्री राम दरबार के रोड से जाना जाता है। जयसिंह अग्रवाल जी जो यहाँ के मंत्री हैं उन्हीं का कहना था कि अब ये जो रोड है वो कहलाएगा श्री राम दरबार रोड। तो मम्मी पापा सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं हरि हरे राम हरे राम हरे राम।
आरती भी अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं यार, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी बड़े से ब्लॉग में। तब तक बाय टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब किसी बड़े से वीडियो में। बाय 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 बाय।